हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो शेयर्स के बारे में आई और आई यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज दोनों ही शेयर में म्यूचुअल फंड्स ने भयंकर खरीददारी की है दिसंबर के मंथ में मैं आपको एकदम लेटेस्ट होल्डिंग दिखाने वाला हूँ दोनों ही शेयर्स में और आपको यहाँ से पता चलेगा कि कैसे टाटा और एसबीआई ने भयंकर खरीददारी की है इन दोनों स्टॉक्स में और यहाँ से आई का एक बहुत भयंकर टारगेट निकल के आ रहा है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर वो टारगेट क्या है जो कि आप यहां से कंसीडर करके चल सकते हो और यहां से अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो वो टारगेट्स क्या क्या हैं जो आप यहां से लेकर चल सकते हो इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आई की जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है वो दिखा देता हूँ जो कि दिसंबर मंथ में निकल के आ रही है यहाँ पर आप देखोगे कोटक इक्विटी आरवी ट्रांसफंड जिसने अपनी होल्डिंग्स को करीबन 285 परसेंट के साथ इंक्रीज किया है जो कि बहुत भयंकर नंबर निकल के आ रहा है यहां पे आप देख पा रहे हो दिसंबर 2021 और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कोटक इक्विटी आरवी वी ट्रांसफंड नंबर ऑफ शेयर्स आपको थर्टी लैख एटी के आसपास देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे चेंज जो पॉजिटिव वे में देखने को मिल रहा है वो है 285 परसेंट यानी कि दो परसेंट से अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है कोटक इक्विटी आरवी फंड ने वहीं अगर हम यहां पे देखें एस बी आई ट्राज फंड करीबन 24 परसेंट के साथ अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं आईएससीटीसी में दिसंबर के मंथ में नंबर ऑफ शेयर्स 179,375 और टाटा ने अगर आप देखोगे तो यहां पे करीबन 387,625 के आसपास यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स देखने को मिल रहे हैं तो दोनों ही यहां पे एसबीआई और टाटा प्लस कोटेक ने अच्छी खासी होल्डिंग्स इंक्रीज की है आईएससीटीसी में अगर हम यहाँ पे आईएससीटीसी का जो फ्राइडे का सिनेरियो है वो देखें तो करीबन 260 पे क्लोजिंग हुई थी और करीबन दो परसेंट के साथ का इंक्रीमेंट आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला था जो कि एक काफी सही चीज थी और अगर आप देखोगे बहुत अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिली थी इस पर्टिकुलर डे में और अगर आप यहां पे देखोगे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और 860 पर आपको इसकी क्लोजिंग देखने को मिली पिछले पांच दिन के अगर मैं रिटर्न्स के बारे में बात करूं तो इतने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं है लेकिन फिर भी तीन परसेंट के रिटर्न काफी ज्यादा डिसेंट रिटर्न माने जाते हैं लेकिन वही अगर हम बात करें पिछले छह महीने के बारे में आई के जो रिटर्न निकल के आ रहे हैं वो करीबन 96 परसेंट से भी ज्यादा के निकल के आ रहे हैं यानी कि करीबन छह महीने के अंदर अंदर सौ परसेंट के आसपास के रिटर्न ये शेयर आपको बना के दे चुका है तो यहां से कुछ भी कमी नजर नहीं आती है अब बजट में बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिसमें रेलवे सेक्टर्स की कंपनी के लिए बहुत ज्यादा क्रिशियल टाइम निकल के आ सकता है क्योंकि मैंने एक वीडियो आपको बनाई थी जिसमें मर्जर से रिलेटेड न्यूज निकल के आ रही थी वो बताया था आप वो जाके देख सकते हो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि रेलवे सेक्टर की किस कंपनी के लिए कौन सी जो मर्जर है वो सही रहने वाले हैं और क्या क्या खराब चीजें होने वाली हैं बाकी हम यहाँ पे टारगेट्स के बारे में बात करें जो कि आई का निकल के आ रहा है तो यहाँ पे मानस जायसवाल उन्होंने यहाँ पे आई पर बाइंग की रेटिंग दी है यानी कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे 860 के आसपास पे आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया है शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टर्म का वो है 925 यानी कि 925 का करीबन करीबन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे पैंसठ परसेंट के इंक्रीमेंट के साथ अगर आप देखोगे 860 से 925 तक का टारगेट इन्होंने दे दिया है और इन्होंने एक रिकमेंडेशन और दी है कि आप इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो इफ़ यू आर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यानी कि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे 855 यानी कि 855 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो अदरवाइज लॉन्गर पीरियड टर्म के लिए आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए बाकी इन्होंने अपनी रिसर्च के साथ और ये पूरी यहाँ पे कंक्लूजन के साथ बताया कि ऐसे जो टारगेट्स हैं वो क्यों दिए हैं और यहाँ से क्या क्या सिनेरियो आगे बनते हुए नज़र आ सकते हैं तो ये कुछ अपडेट्स थी ये कुछ यहाँ पे टारगेट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिया आई एस के बारे में अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आईई यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में अगर आप देखोगे फ्राइडे के सिनेरियो में गिरावट देखने को मिली जबकि मार्केट पॉजिटिव था लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली 260 के आसपास की क्लोजिंग वहीं अगर हम बात करें इसके पांच दिन के रिटर्न के लास्ट पांच दिन के रिटर्न की तो करीबन इसने टू के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे दिए हैं लेकिन वहीं अगर हम बात करें पिछले छह महीने की तो ये भी जो स्टॉक है बहुत शानदार निकल के आता है यहाँ से आप देखोगे करीबन 97% परसेंट के आसपास के रिटर्न पिछले छह महीने के अंदर अंदर यानी कि छह महीने के अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी करीबन 100% परसेंट के आसपास के रिटर्न्स दे दिए हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक्स नजर आते हैं दोनों ही फाइनेंशियली दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बिजनेस की ग्रोथ दोनों की ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आती है अब हम यहाँ पे इसकी बात करें दिसंबर का डेटा निकल के आ रहा है और यहाँ पे हम इसकी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कोटक इक्विटी आर वी ट्रांस फंड जो कि आपको आई में अपनी होल्डिंग्स एक परसेंट के साथ इंक्रीज करते हुए नजर आ रहा है यानी कि सेम फंड अगर आप देखोगे आई एस सी टी सी भयंकर इन्होंने अपनी इंक्रीमेंट किया है और सेम फंड ने अगर आप देखो तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी भयंकर इंक्रीमेंट किया है दूसरे फंड के बारे में अगर हम यहां पे देखें तो टाटा आरवी ट्राज फंड ने करीबन 133 यानी कि 133 परसेंट के साथ अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीस किया है भयंकर यहां पे आप देखो खरीददारी टाटा आरवी ट्राज फंड की तरफ से भी देखने को मिल रही है तीसरा फंड एस बी आई बैलेंस एडवांटेज दो सौ परसेंट के साथ अपनी को इंक्रीज करते नजर आया है और तो यहाँ पे करीबन दो सौ परसेंट के साथ अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड प्लस एस बी आई आरवी ट्रांस ऑपरचुनिटी फंड दिसंबर के महीने में तीन सौ आठ परसेंट से ज्यादा की होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि जो अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में वो सबसे पहले एफ आई आई और म्यूचुअल फंड फायदा उठाते हैं और जब आधी से ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकल जाती है तब रिटेलर्स वहां पे एंट्री लेते हैं तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा शानदार दिखाई देती है और इसका फायदा आपको यहां पे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो आदित्य बिरला लाइफ आरवी ट्रस्ट फंड ने एक के साथ होल्डिंग्स इंक्रीज की है बैंक ऑफ इंडिया एक्सा मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट 200 परसेंट के साथ सेम इसी ए का स्मॉल कैप फंड 200 परसेंट के साथ इंक्रीज किए हुए हैं और अगर आप फ्लेक्सी कैप भी देखोगे तो 219 परसेंट के आसपास की होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियल ट्रेंड्स तो बहुत ज्यादा शानदार नजर आते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के मेरे अकॉर्डिंग ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए क्योंकि जिस अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग इस इस पर्टिकुलर सेक्टर की डिमांड है तो इस according यहां से शेयर आपको बहुत भयंकर रिटर्न बना के दे सकता है लेकिन वीडियो को केवल आप नॉलेज के पर्पज से ही देखिए निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें उसके बाद ही निवेश करें वीडियो को केवल नॉलेज के पर्पज से ही देखें आई होप आपको वीडियो में देखिए इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें धन्यवाद